नमस्कार अमरीजनो, आप देख रहे हैं सूर्य पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहना है, अवेयर रहो, अपडेटेड रहो। धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट कर रही है। आज मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज जिनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट हो चुका है उनका नाम बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ JNU, DU, BHU, SU जो सबसे डिमांडिंग यूनिवर्सिटीज हैं उसका पोर्टल कब तक ओपन हो सकता है ये भी हम लोग अपना एक डेट फिक्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये प्रोसेस भी समझो कि कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्सिटीज के पोर्टल स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप मेरे वीडियोस देखो, क्योंकि जब जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा, चाहे शॉर्ट वीडियो बना के चाहे पूरा अच्छे से डिटेलिंग वीडियो बना के। ये है आपके CUT PG का ऑफिशियल वेबसाइट, याद होगा ही। ठीक है, ये तो याद ही होगा। यहाँ पे ना पूरी यूनिवर्सिटीज की तो कोई लिस्ट है, आप जैसे क्लिक करते हो पूरी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आ जाती है। एक एक यूनिवर्सिटी को ओपन करके चेक करना पड़ेगा कि हाँ इनके यहाँ पोर्टल स्टार्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये नोटिफाई नहीं करेंगे। बाकी जो डेटा NTA से लेके यूनिवर्सिटीज अपने पास रखी है, लाइक प्राइवेट वाले बड़े एक्टिव रहते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे उनके यहाँ स्टार्ट होगा वो लोग आपको मेल कर देंगे। गवर्नमेंट वाले ऐसा नहीं करते हैं, बहुत रेयर में कर देंगे। DU JNU वाले बिल्कुल थोड़ा कर भी देते हैं, PHU वाले तो भूल भी जाते हैं। तो उम्मीद तो मैं यही करूंगा कि ये लोग खुद नोटिफाई करें बच्चों को, क्योंकि इनके पास डेटा है। प्राइवेट वालों को पैसा कमाना है तो वो तो स्ट्रिक्टली कर देते हैं। क्यों प्राइवेट यूनिवर्सिटी CUT में आ रही है? क्योंकि उनके बच्चे मिल जाएंगे ना यहाँ आसानी से। और गवर्नमेंट वाली यूनिवर्सिटीज को क्या है, उनके यहाँ प्रोफेसर को पैसा ऐसे भी मिलना है और बच्चे नहीं रहेंगे तो भी मिलना ही है। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि स्मूथ एडमिशन उसी को कहते हैं जहां पे बच्चों को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाए, ऑफिशियली अपडेट किया जाए कि देखो हम फॉर्म निकाल दिए। और ये चीज मैंने JNU DU में देखा है, BHU था लाइक कर जाता है इस पर। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग बच्चों को अपडेट करें। बाकी मेरे वीडियोस देखोगे तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटीज जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर चुका है। तेजपुर यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी बिहार वाला स्टार्ट हो चुका है, पंडुचेरी, ये 3 यूनिवर्सिटीज जो है अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर चुकी हैं। लेकिन तेजपुर के अकाउंट फिर से फ्रीज हो गए, मतलब कि शायद उन्होंने होल्ड कर दिया है, 24 घंटे में फिर से ऑन कर देंगे। लेकिन बाकी महात्मा गांधी का स्टार्ट है। अब यहां से देखो चेक कैसे करना है, लाइक देखो मैं महात्मा गांधी खोज के गया, ये है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ओपन हो गया। जैसे आप जाते हो ना, हर यूनिवर्सिटी का यहाँ पे लिखा हुआ ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने के लिए, आप इसको क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे अभी जो पोर्टल ओपन होकर आया है ये इस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, और बहुत ही मेहनत करके ढूंढोगे तो पता चलेगा कहां से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया हुआ है, इधर ही कहीं पे इन्होंने एक नोटिस दिया हुआ है। ठीक है, इसी वाले में ये व्यू ऑल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन लोगों ने PG प्रोग्राम का देखो यहाँ पे दिया हुआ, देखो यहाँ पे दिया ना लिंक एडमिशन, मैं इसको ओपन, अब यहां से देखो आया है, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है महात्मा गांधी का। यहां से देखो आप क्या करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करो, आ गया। क्या क्या मांग रहा है ये देखो, एप्लीकेशन नंबर मांग बोल रहे हैं, CUT का एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड और रजिस्टर कर दो, उसके बाद इनका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिलअप करना। इसी तरीके से हर यूनिवर्सिटी का है, अपना अपना पोर्टल इनका होता है, वहां जाकर रजिस्टर करना पड़ता है। तो जिन लोगों का एम है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे कम मार्क्स में एडमिशन हो जाएगा, पंडुचेरी भी कम में हो जाएगा, तेजपुर यूनिवर्सिटी में भी हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग मेरे वीडियोस देख के मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने बोला है 50 मार्क्स 60 मार्क्स पे एडमिशन हो रहा है, तो भाई वो कैटेगरी रिजर्वेशन की बात भी है, वो ST और SC वालों का हो रहा है, जनरल वालों का नहीं हो रहा है, ध्यान देना, OBC वालों का नहीं हो रहा है, ध्यान देना। लेकिन हाँ, मैंने जब मेरे वीडियोज को पूरा देखोगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझोगे, तब ये नहीं कि बोर्ड पे मैंने जो लिख दिया वही सत्य है। भाई बात समझाया भी तो जा रहा है कि किस सब्जेक्ट के लिए ट्राई करो, किन कंडीशन में ट्राई करो वहां पे। तो प्लीज आप मेरे इन वीडियोज को देखा करो पहले, ठीक है, तब आप चीजों को बहुत अच्छे से क्लियरिफाई कर पाओगे, अदरवाइज कंफ्यूजन में हो जाओगे। तो मैं तो हमेशा अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, समझ लो कि नहीं। मैं तो चाहूंगा कि आपका जो ये पूरा दुविधा है, जो आपका ये पूरा माइंड में कंफ्यूजन है, वो दूर हो, ना कि क्रिएट हो। तो अब ये 3 यूनिवर्सिटी में बता चुका हूं, बाकी जैसे जैसे यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल ओपन करेगा मैं आपको समझाता रहूंगा। जो बच्चे इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वो जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर ले, लेकिन हाई मार्क्स वाले बच्चे जो है वो ना ही जाए तो ज्यादा अच्छा है, उनके लिए अभी और यूनिवर्सिटी जाने वाली है, तो उसमें आप ट्राई कर लेना। तो मुस्कुराते रहे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप अगर किसी एक चैनल को डेडिकेट कर देते हो, जैसे मेरे चैनल को अगर डेडिकेशन से आप देखोगे, तो ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको टाइम टू टाइम चीजें अपडेट कर दूंगा, कोई एक चीज मिस नहीं होने दूंगा। ठीक है,
तुम बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, हर हर महादेव।